खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। मानसून सत्र के पहले दिन हंगामा, फडणवीस बोले साजिश रच भाजपा के 12 विधायक किए निलंबित, ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वाला सोनू पठान गिरफ्तार। अजीबोगरीब घटना, मां का पक्ष लेने पर गुस्साए पिता ने बेटी को मारी गोली, लड़की की मौत। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। मानसून सत्र के पहले दिन हंगामा करने वाले भाजपा के 12 विधायकों को एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया। विधानसभा में हंगामा करते हुए अध्यक्ष भास्कर जाधव से की गई थी बदसुलूकी। सत्र के अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए भाजपा विधायकों ने सीढ़ियों पर बैठकर जमकर हंगामा किया। 12 भाजपा विधायकों पर कार्रवाई किए जाने से नाराज विरोधी पक्ष ने मानसून सत्र का बहिष्कार कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सभागृह में धक्का मुक्की तक हुई। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार का सच सामने लाने के चलते 12 विधायकों को साजिश रचकर निलंबित किया गया है। आज जिस प्रकार से सभागृह में ओबीसी के संदर्भ में केंद्र सरकार डेटा दे इसका ठराव लाया गया और उसके ऊपर हमको बोलने नहीं दिया गया, उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहाँ पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सबने सुनी है। हमारे आशीष चेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की, उनसे क्षमा भी मांगी। सब लोग गले मिले, अपने अपने रास्ते गए। उसके बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है, ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। स्पीकर का चुनाव सदस्यों को सस्पेंड करके नहीं लिया जा सकता, इसके बारे में कई प्रकार के दाखले हैं। दूसरी खबर, डोंगरी ड्रग्स फैक्ट्री मामले में एनसीबी ने मुंबई के डोंगरी इलाके में ड्रग्स की फैक्ट्री चलाने के मामले में फरार जमन हिदायतुल्ला खान उर्फ सोनू पठान को गिरफ्तार कर लिया है। कई महीनों से फरार सोनू को गुप्त सूचना के आधार पर पायधुनी इलाके से जाल बिछाकर रात को 1 बजे गिरफ्तार किया गया। पिछले 6 महीने से एनसीबी उसे पूछताछ के लिए सम्मन भेज रही थी लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। इस साल फरवरी महीने में एनसीबी ने मुंबई के डोंगरी इलाके में दाऊद गिरोह से जुड़े लोगों द्वारा चलाई गई ड्रग्स की फैक्ट्री का खुलासा किया था। यहां से 12 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई थी। इस मामले में चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों से पूछताछ के मामले में सोनू पठान का नाम सामने आया है। इसके बाद से एनसीबी उसकी तलाश में जुटी हुई थी। तीसरी खबर, मध्य प्रदेश के सागर जिले के बहरोली थाना अंतर्गत ग्राम झाराई में विवाद के दौरान माँ का पक्ष लेने पर पिता ने बेटी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 8 बजे मां पुष्पलता वैश्य आंगन में पौधे लगा रही थी, तभी अशोक वैश्य ने उसे पौधे लगाने से मना किया। इस बात पर दोनों पति पत्नी के बीच बहस शुरू हुई। यह देखकर बेटी अंकिता उर्फ अंकू वैश्य ने मां का पक्ष लेते हुए पिता से बहस शुरू कर दी। इससे गुस्साए पिता अशोक ने अंदर से लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक लाकर बेटी पर तान दी। बंदूक देख अंकिता डर गई और दौड़कर रसोई में छिप गई, लेकिन आग बबूला पिता ने रसोई में पहुंचकर उसे गोली मार दी। अंकिता की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ खास खबरों को यह विराम देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए MNS News Live। नमस्कार।